नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। हनुमान नगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर सीपीआईएम की ओर से एक जन आक्रोश प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारी बाढ़ से मुक्ति दिलाने, बाढ़ से वंचित और सभी के खातों में राशि भेजने इत्यादि कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हनुमान नगर प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर सीपीआईएम की ओर से प्रभावशाली जन आक्रोश प्रदर्शन आयोजित की गई। प्रदर्शनकारी हनुमान नगर प्रखंड को बाढ़ से मुक्त दिलाने, बाढ़ राहत से वंचित, सभी के खाते में अभिलंब राशि भेजने, पॉलिथीन बंटवारे में हुए अनियमितता की जांच और लाभार्थी की सूची सार्वजनिक करने, सूखा पैकेट सभी को देने, किसानों के बर्बाद फसल का मुआवजा, सभी तरह का किसानों का कर्जा माफ करने, मनरेगा का विस्तार कर सभी मजदूरों को 200 दिन काम करने, 600 रुपए मजदूरी का भुगतान करने, नरसारा पंचायत के फुलवरिया गांव में चलाए गए सभी मनरेगा कार्यों की जांच और बकाया मजदूरी का भुगतान, सभी परिवारों को मुफ्त 10 किलो 6 महीने का अनाज देने, आयकर नहीं देने वाले सभी को 7,500 रुपए 6 महीने तक देने और मोरों के कांड संख्या 29/2020 जो खुदाई पट्टी पैक्स अध्यक्ष पर हनुमान नगर वीडियो द्वारा दर्ज कराया गया है उसे अभिलंब वापस लेने की मांग प्रमुख मांगों में शामिल था। वही सीपीआईएम नेता राजकिशोर पासवान की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सीपीआईएम राज्य सचिव मंडल सदस्य ललन चौधरी ने कहा कि आज केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीति और तटबंध टूटने के कारण प्रत्येक वर्ष उत्तर बिहार समेत दरभंगा प्रखंड के दर्जनों प्रखंड बाढ़ से प्रभावित रहता है। सरकार ने बाढ़ बुखार का स्थायी निदान करने की घोषणा किया मगर उस पर अमल नहीं हो रहा है। आज देश आर्थिक संकट की दौर से गुजर रही है, वही बड़ी संख्या में बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों को रोजगार से हटाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के सरकार ने करोड़ों लोगों को बेरोजगार बना दिया है। सरकार ने प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था लेकिन सरकार रोजगार नहीं देकर रोजगार में लगे लोगों को बेरोजगार बना रही है। कोरोना के चलते लॉकडाउन और बाढ़ के कारण बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, भुखमरी बेरोजगारी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आंदोलन तेज करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज। आज हनुमान नगर और प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय पर बाढ़ पीड़ितों का प्रदर्शन सीपीआईएम की अगुवाई में हो रही है। हम कहना चाहते हैं जो आज हनुमान नगर का 14 पंचायत बाढ़ से प्रभावित है, अभी भी बड़ी संख्या में बाढ़ पीड़ितों के खाते में रुपये नहीं गए हैं। हम लोगों का मांग है जो सभी लोगों के खाते में अविलंब बाढ़ राशि 6,000 रुपया सरकारी घोषणा अनुसार दिया जाए। पोलोथीन बंटवारा में भयंकर लूट हुई है, जो विस्थापित परिवार हैं उनको पोलोथीन नहीं दिया गया है, सूखा पैकेट राहत में भी मनमानी हुई है। आज हम कहना चाहते हैं जो आज बड़े पैमाने पर बाढ़ पीड़ित जब अपनी आवाज़ को उठाते हैं, पीड़ा प्रशासन के निकट रखते हैं, तो उन पर झूठा मुकदमा किया जाता है। अभी कई लोगों पर मुकदमा हुआ है, खुदाई पट्टी के पैक्स अध्यक्ष पर मुकदमा हुआ है। हम उस मुकदमे की वापसी की मांग करते हैं। हम कहना चाहते हैं जो पूरा हनुमान नगर को बाढ़ क्षेत्र बाढ़ से मुक्ति दिलाया जाए। प्रशासन ने बाढ़ के समस्या का निदान करने का वादा किया मगर अभी तक हनुमान नगर का जो जल जमाव की समस्या है वह समाप्त नहीं हुआ है। आज बड़े पैमाने पर मजदूर बाढ़ और कोरोना संकट से आज प्रभावित हैं, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। हमारा मांग है जो मनरेगा योजना का विस्तार किया जाए, 200 दिन मजदूरों को काम दिया जाए और 600 रुपया मजदूरी का भुगतान हो। आश्चर्य की बात है जो बगल में फुलवरिया गांव है जहां बड़े पैमाने पर मनरेगा योजना में लूट हुई है, मजदूरों को भुगतान नहीं किया गया है, मजदूरों को पैसा नहीं मिला है और जो मजदूर काम नहीं किया उसके नाम पर लाखों रुपए की गबन की गई है। हम लोग मांग करते हैं जो फुलवरिया के अंदर जो मनरेगा योजना का काम हुआ है उसकी जांच किया जाए, बकाए मजदूरों का भुगतान किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर आज हम लोग यहाँ आए हैं। जब तक सौहार्दपूर्ण वातावरण में अंचलाधिकारी और BDO से 12 सूत्री मांग है उस पर कार्रवाई नहीं हो जाता है, तब तक हम लोगों का लड़ाई और आंदोलन जारी रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, CPM जिंदाबाद। दरभंगा जिला बाढ़ प्रभावित जिला है, बड़ी बड़ी नदियां हैं यहाँ,
जिस नदी के में जब पानी आता है बरसात का और नेपाल से, तो बाढ़ हो जाती है। हनुमान नगर का एक विशेष परिस्थिति है। आप जेल देखे हैं, जेल के अंदर में सेल है। ये 14 पंचायत को चारों बगल से पानी यहाँ गिरा दिया। वाटर बेज है टाउन प्रोटेक्शन, इसके बाद यहाँ तक चले जाइए समस्तीपुर तक कोई प्रोटेक्शन नहीं। फिर आप चले जाइए सिंहबाड़ा उधर मुजफ्फरपुर से, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, पूरा पानी यहाँ आता है। तो इसका माने ये दरभंगा जिला का बाढ़ का सेल है। और ये 14 पंचायत सिंहबाड़ा से आप लीजिए और चले जाइए अंतिम, ये पूरा पानी से डूबा हुआ है। सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं, ये हर साल की प्रवृत्ति है। इसलिए लड़ना पड़ेगा एक बार समूचे लोगों को, जनता को संगठित करके, जो कितना दिन तक पानी में लोग डूबते रहेंगे, इनके विकास के जितने काम हैं वो बर्बाद होते रहेंगे, इसके फसल बर्बाद हो जाएंगे, इनके जाल माल की क्षति हो जाएगी, पानी में डूब करके लोग मर जाएंगे। सरकार को इसकी कोई योजना नहीं, उनको चुनाव की चिंता है, राज करने की चिंता है। आप राज कीजिए, लेकिन डूबते हुए लोगों के बल पर, बाढ़ पीड़ितों के बल पर, लोगों के भोजन का इंतजाम नहीं कर पाते आप, एक पन्नी का इंतजाम नहीं कर पाते आप, रिलीफ लोगों को नहीं दे पाते। रिलीफ तो कानून है, कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है सीओ और कलेक्टर का। इस देश में कानून है, कानून के मुताबिक जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको सहायता देने का अधिकार, उनको प्राप्त करने का अधिकार है। इसमें आनाकानी करने का कहीं कोई सवाल नहीं है। इसलिए प्रतिवाद को मजबूत कीजिए। हम आपसे कहना चाहते हैं, समूचा हनुमान नगर ब्लॉक के एक एक गांव में बगावत खड़ा होना चाहिए और उसकी एक मांग होनी चाहिए, जब बाढ़ क्षेत्र जो हमारा है इसको तुम परिवर्तित करो, इस पूरे नदी को लिफ्ट इरिगेशन में बदलो, हमारे खेती का इंतजाम करो, बाढ़ में हमको कोई रिलीफ की जरूरत नहीं, बाढ़ मत आने दो, बाढ़ को रोको, ये मांग लेकर के हमको लड़ना चाहिए। इसके बाद अभी का काम है, एक एक लोग, एक एक परिवार, पति पत्नी बच्चा, यही होता है फैमिली, सरकार के कानून के मुताबिक उन तमाम लोगों को रिलीफ जो तय किए हो 6,000 रुपया, हम लोग तो मांग करते हैं 7,500 रुपया आप तमाम परिवार को दीजिए 6 महीना तक, क्योंकि उसकी माली हालत हो गई बहुत खराब, उसके खरीदने के ताकत नहीं है, खेती उसकी चौपट हो गई, इसलिए आप दीजिए 10 किलो अनाज मुफ्त में तमाम लोगों को दीजिए। हम तो ये मांग करते हैं, हम तो मांग करते हैं जो समूचा जो देश आर्थिक संकट में है, पूरा देश के संपत्ति को आपने जो बेच दिया है उसकी बिक्री पर आप रोक लगाइए, यह मांग हमारी है। और इसलिए ये लड़ाई आपके ब्लॉक में, अभी जाले में भी दरभंगा जिला के विभिन्न इलाका में लोग संघर्ष कर रहे हैं, आपके संघर्ष को हम सलाम करते हैं, क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं और विश्वास जताते हैं जब आप लड़ेंगे आपका खून बहेगा, हम लोग तमाम लोग उस आंदोलन में, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी आपके साथ रहेगी, संघर्ष के मैदान में रहेगी, जीत आपकी होगी, इलाका को बदलने का काम हमारा आपका सबका मिल करके है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद।